हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए चेतन मलिक एंड मैं आपके सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूँ। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। सी ए इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मीनगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुँच रही है, आप प्लीज़ इसको एन्जॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं सी ए इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, बातें करो बंद और सुनो, जरा कहानी सुनो। आज हमारी लास्ट क्लास है हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी के सबसे पहले एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और बीच का हमारा रहेगा 71 से शायद 82 तक, और एमसीक्यू डिस्कस करने आ जाओ। जरा एमसीक्यू पे आ जाओ। पहले 10 आपके शायद सॉल्व हैं, उसमें आपको कोई डाउट है तो बताओ। पहले 10 में फर्स्ट वेकेंट साइट लीज रेंट इज टैक्सेबल। वेकेंट साइट पर अगर टैक्सेबल होगा, वेकेंट साइट मतलब हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग में तो रूफ होती तो हाउस प्रॉपर्टी में आता। वेकेंट साइट किस में टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज में होगी, बस इतनी सी बात है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज और बिजनेस इनकम एज द केस में भी। अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, जो फार्म हाउस वाले होते हैं, लॉजिकली बताना, फार्म हाउस जैसे जो जहां पे शादियां वगैरह होती है, उन लोग का काम क्या है? जो शादी के लिए लोग आते, जगह किराए पे देने का ही काम है, तो ये उनका बिजनेस है। कभी कभी करते हैं बिजनेस। हाउस प्रॉपर्टी में तो कन्फर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बिल्डिंग में तो रूफ नहीं है। फार्म हाउस किराए पे देना, किसी की अदर सोर्सेज की इनकम होनी चाहिए या बिजनेस की इनकम होनी चाहिए? बिजनेस की इनकम। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसलिए ऐसा लिखा है कि अदर सोर्सेज और बिजनेस इनकम एज द केस में भी। लेकिन सर, किसी का बिजनेस है हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे देना, बिल्डिंग विद अ रूफ को किराए पे देना किसी का बिजनेस है, तो उसके लिए तो हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी इनकम, रेंटल इनकम। पॉइंट क्लियर हो गया? ऑब्वियस बात है, तो नहीं जाएगी तो अदर सोर्सेज में चली जाएगी। जैसे सब टेनेंट को आपने दे दिया तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। और बताओ जी, पहले 10 में कोई डाउट नहीं है तो 11 से मेरे को बताना शुरू कर दो। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन क्या है हाउस प्रॉपर्टी का? 22 ऑप्शन नंबर हो गई ई, नहीं है मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट 12th बताओ जी, इनकम फ्रॉम वेकेंट प्लॉट बी ऑप्शन किए नहीं है क्या अभी आपने? बहुत कम कर लिया है। 13th बताओ डी। 14th बी। 15th If letting out house property is incidental to main business, then income from such property taxable under the head PGBP लिखो इसको। Incidental to main business का क्या है कि मैं जो मेरा main business कर रहा हूं, for example, मेरा main business ये है कि मैं बाहर के बच्चों को, बाहर की states के बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरा main business क्या है? बाहर की states के बच्चों को पढ़ाता हूं। बाहर की state का बच्चा जब आएगा तो यहां रहेगा कहीं ना कहीं, तो मुझे उसको घर भी किराए पे लेके देना पड़ेगा। मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है, मैं उसको किराए पे देता हूं, लेकिन मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। वो किस चीज की मान ली जाएगी? बिजनेस, बिकॉज दैट एक्टिविटी इज इंसिडेंटल टू माय मेन बिजनेस। अगर मैं वो एक्टिविटी नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस भी नहीं चलेगा। जब मेरा काम ही क्या है? भारत की स्टेट्स के बच्चों को पढ़ाना, और वो तभी पढ़ा पाऊंगा जब उनको यहां पर मैं किराए पे कुछ हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा। या फिर सेकेंड ऑप्शन, सर मैं फीस में ही चार्ज कर लूंगा और मैं क्या बोलूंगा कि भैया तुम रहना तुम्हारा फ्री है और मैं फीस में चार्ज कर लूंगा। तो मैंने एक तरीके से उनको किराए पे तो दिया अपना बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन मैंने उनसे किराया नहीं लिया, फीस में ही चार्ज कर लिया। बट दैट एक्टिविटी वॉज इंसिडेंटल टू माई मेन बिजनेस। मैं अब बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो वो इनकम भी किस खाते में चली जाएगी? बिजनेस इनकम में चली जाएगी। इस वर्ड की वजह से जारी है, सिर्फ ये वर्ड मार्क कर लेना, सिर्फ इस वर्ड की वजह से जारी है।
इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस. नेक्स्ट 16th का बताओ जी. एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोशल क्लब, एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सोशल क्लब विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. लिखो सोशल क्लब है, क्लब मतलब अब मैं यहां पे वो लेके चल रहा हूं जो क्लब्स होते हैं जिनकी बिल्डिंग विद अ रूफ होती है. कई ऐसे क्लब भी होते हैं जैसे आप जाओ पीतमपुरा क्लब है या पंजाबीबाग क्लब है, वहां पे बिल्डिंग विद अ रूफ नहीं है, वहां पे आप टेबल टेनिस और सॉरी लॉन टेनिस और बैडमिंटन खेलने जा सकते हो, तो उनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है. लेकिन सोशल क्लब हम यहां मान के चल रहे हैं विद अ रूफ जो वो किराए पे देते हैं, जैसे समुदाय भवन सॉर्ट ऑफ या कम्युनिटी सेंटर जो होते हैं वो बिल्डिंग विद अ रूफ किराए पे देते हैं, तो उनके लिए वो हाउस प्रॉपर्टी चला जाएगी. नेक्स्ट बताओ जी. इन केस एनी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एसोसिएशन द सेम इज गिवन बाय हिम टू हिज पार्टनरशिप फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सच फर्म देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी. कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी. अपना खुद का बिजनेस कर रहा है वो, समझो मेरी बात को, मैं और मेरा दोस्त एक पार्टनर है और हमारी फर्म वहां पे बिजनेस करी है. मेरा खुद का बिजनेस अगर हो रहा है तो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि मेरा खुद का बिजनेस हो रहा है तो वहां से कोई रेंटल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. कंफ्यूज कर रहा है आपको, कुछ बात एक ही है. आप सोचो मैं कंपनी का डायरेक्टर हुआ, मैं कुछ तो मतलब जो बिजनेस करूंगा किसी फॉर्म में तो करूंगा ही ना, चाहे सोल प्रोप्राइटर के रूप में करूं, चाहे फर्म के रूप में करूं, चाहे कंपनी के रूप में करूं, किसी फॉर्म में तो करूंगा ही. और अपना ही बिजनेस कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली मैं उसमें कुछ ना कुछ तो होऊंगा, या तो डायरेक्टर होऊंगा अगर कंपनी है तो, फर्म में पार्टनर होऊंगा और क्या बोलते हैं इंडिविजुअल में सोल प्रोप्राइटर में ही होऊंगा. अरे प्रभु मेरे, समझो मेरी बात को, मेरी कंपनी है, मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग मेरी होती एग्जाम्पल, और मैं यहां चेतन मलिक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चला रहा हूं, तो मैंने किसी को किराए पे दिए क्या? नहीं. फिर बात खत्म हो गई. वो मुद्दा अलग है, फिर वो पॉइंट अलग हो गया. अब ये कह रही है पार्टनरशिप फर्म से रेंट पे मिलता है. देखो हम वहां पे फिर कैपेसिटी चेंज करते हैं, मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिस्टर हूं. फिर जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं नॉर्मली क्या होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आ गई. अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा रेंट एग्रीमेंट, वो किसके बीच में बना, पार्टनरशिप फर्म एंड मिस्टर ए इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो बात अलग हो जाएगी. अगर मैं रेंट एग्रीमेंट बनाऊ ही ना कि मेरी फर्म यहां चल रही है मेरा, क्योंकि मेरी ओन बिल्डिंग में मेरी फर्म चल रही है, मैंने कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, तो बात खत्म हो गई. इससे प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता, ध्यान से सुनना. अब आप सर कहोगे अगर पार्टनरशिप फर्म को यहां पे हम चलाते हैं और वो किसी को रेंट पे करेगी तो उसके लिए तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, तो सर हमें ऐसा करना चाहिए. लेकिन जब आप जिसको रेंट दोगे जो कि मैं ही हूं, तो मेरी भी तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट हो जाएगी और टैक्स बर्डन मेरे ऊपर बढ़ जाएगा. तो लोग प्रैक्टिकली इसमें ज्यादा मैनिपुलेशन कर नहीं पाते, तो इसलिए वो सिंपल सी बात क्या बोलता है, भाई मेरी ओन बिल्डिंग और मेरी फर्म यहां चल रही है तो यहां पे कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लीज होल्ड लैंड इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इससे कोई फर्क नहीं है, लैंड कैसे भी हो अगर आपने उसको किराए पे दिया हुआ है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, नाइनटींथ का बी हो गया जी. नेक्स्ट बताओ जी. एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू डी ऑप्शन 21, 22 ए या सी. द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट इज एक्सपेक्टेड रेंट 23 ए ऑप्शन, 24 ए. म्युनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर 1 लाख, 1 लाख और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर 1 12 और 1 25 विच एवर इज हायर. डी ऑप्शन आएगा ना 24 का. दो क्या क्या, ओहो आपसे निकालने को क्या बोला है, एक्सपेक्टेड. तो ठीक है फिर वापस से ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड विच एवर इज हायर 1 लाख, 1 लाख और 1 12 विच एवर इज लोअर 1 लाख. एक्सपेक्टेड पूछा आपसे ना कि जीएवी. आगे बताओ जी, अगले में भी एक्सपेक्टेड पूछा है बी, अगले में सी. 27 में क्या पूछा है, सी ऑप्शन. 28 बी, इसमें जीएवी पूछा है डी.
नेक्स्ट, अगले में जीएवी पूछा है, 20-30 में जीएवी पूछा है, बी नेक्स्ट डी ऑप्शन, 32 ए, 33 34 बी, 35 का बी, तुम ऐसे बोलो बॉम्बे और देहरादून, ऐसे समझ नहीं आ रहा। अब 35 का, 36 37 नेक्स्ट 38, अच्छा सी ऑप्शन हो गया, 35 का 38 का सी ऑप्शन हो गया, 39 हाँ बस वही एक ही बात है, 40 जीएवी निकालना है तो खाली पड़ा रहा, बेवकूफ बना रहा आपको, खाली पड़ा रहा इसका मतलब क्या है, डीम लेट आउट मान लो और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, डीम लेट आउट मानेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स और एक्सपेक्टेड क्या आएगा, म्यूनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर, 80,000 40 ए, 41 ओ एक सेकेंड, 40 का ए है ना, 41 सी ऑप्शन, 42 डी, 43 सी, 44 44 का सी ऑप्शन, 45 का हुआ जी आपका सी ऑप्शन, 46 ए, 47 ए या सी, डाउट है आओ जी, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है अप टू 31-5 यानी अप्रैल और मई सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1-6 से प्रॉपर्टी लेट आउट किया 42,000 में, एनएवी आपको निकालना है, एनएवी म्युनिसिपल वैल्यू 4-15, फेयर रेंट 4-30, स्टैंडर्ड रेंट 4-10 और टेनेंट हैज पेड 10% टैक्सेस, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे क्या, क्यों, क्योंकि टेनेंट ने पे किया, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कब होते हैं, जब ओनर पे करता है, बताओ जी कैसे निकालोगे 4-15, अच्छा पहले इसका जीएवी निकालोगे कैसे, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट है, तो ईआर फॉर 12 मंथ्स और एआर फॉर 10 मंथ्स विच एवर इज हायर, तो एआर फॉर 10 मंथ्स कितना आएगा इंटू में 10 इस 4-20, और ईआर कैसे निकालोगे, म्युनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर, 4-30 और 4-10 विच एवर इज लोअर, 4-10 और 4-20 विच एवर इज हायर, 4-20 आ गया, 4-20 में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस नहीं होंगे, और एनएवी पूछा आपसे, पॉइंट क्लियर हो गया, अब आओ जी 48 सी, 49 डी, 450 बी, 51 ए, 52 बी या सी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म कब होता है, प्री कंस्ट्रक्शन शुरू कहां से होता है, प्री कंस्ट्रक्शन शुरू कहां से होता है, जिस दिन लोन लेते हो खत्म कब होता है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म हुई जिस साल में उससे पिछली 31 मार्च, सही बोल रहा, हिंदी में इंग्लिश पहचानने में दिक्कत हो रही है, इकतीस मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रायर कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन ए और बी विच एवर इज अर्लियर, वैसे दिमाग लगाना चाहिए, सही बोल गया लड़का, हमने इसको ऐसे हल्के में ले लिया, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन आपने पहले ही कर दी तो प्री कंस्ट्रक्शन 31 मार्च तक जाएगा ही नहीं, अगर आपने पहले ही लोन को रीपे कर दिया तो वहीं खत्म हो जाएगा ना प्री कंस्ट्रक्शन, तो जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं हम लोग, ये 52 बताओ जी, 3 होना चाहिए, 3 अनपेड इंटरेस्ट की हमें डिडक्शन कहां मिलती है, अच्छा सॉरी वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, सॉरी हमें क्या निकालना है इसमें कि किसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलती है, लोन बॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इसकी मिल जाती है, फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन इसकी भी मिल जाती है, इंटरेस्ट ऑन
अनपेड इंटरेस्ट, हाँ इसकी तो नहीं मिलती, सही तो है ये, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इसकी हमें नहीं मिलती है। अगर यहां वर्ड लिखा होता, ध्यान से सुनो, अगर यहां वर्ड लिखा होता सिर्फ अनपेड इंटरेस्ट, अगर यहां वर्ड लिखा होता सिर्फ अनपेड इंटरेस्ट तो क्या होता, डी ऑप्शन क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज प्राइस। मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने आपको परचेज प्राइस, मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, आपको मैंने लोन तो ले लिया 50 लाख का, लेकिन आपको 40 लाख ही दिए, आपने कहा यार 10 लाख तो मुझे दे नहीं रहा, इस पे मुझे ब्याज दे दियो, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ब्याज दे दूंगा, तो इस चीज की मुझे डिडक्शन मिलेगी क्या? दोबारा समझो, मैं एग्जांपल क्या बोल रहा हूं, मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख, बैंक को मैं पूरा इंटरेस्ट दे रहा हूं, उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। उस 50 लाख में से मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी है, आपको दे दिए सिर्फ 40 लाख, जबकि परचेज प्राइस कितना था 50 लाख, आपको 10 लाख मैंने कम दिए, तो आपने मेरे से उस पे क्या चार्ज करना शुरू कर दिया, आप बैंक को क्या, आपने मुझे क्यों इंटरेस्ट चार्ज करो, क्योंकि मैंने आपको परचेज प्राइस पूरा नहीं दिया। तो इस बात का जो ये इंटरेस्ट आप मेरे से चार्ज कर रहे हो, इसकी डिडक्शन देगा क्या, मतलब इनकम निकालते टाइम? नहीं, इंटरेस्ट कौन से की डिडक्शन मिलती है, जो आप बैंक से लोन लेते हो। हाँ, दोनों ऑप्शन होने चाहिए, अनपेड परचेज प्राइस की भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए। वैसे ये भी मिल जाएगा, वो जबरदस्ती वाली बात है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन बॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक तो है, इसमें मिलती है इसकी डिडक्शन तो हमें। बैंक से मिलती है, लेकिन आप बैंक से लेते हो सिर्फ तभी मिलती है, ऐसे तो आप, ऐसे तो अगर ऐसा होगा, ऐसे होगा पता क्या होगा, फिर ऐसे होगा तो मैं जिस व्यक्ति को पैसे नहीं दे रहा वो मेरे से ब्याज कितना चार्ज करेगा, 200%। बैंक से कितने में मिलता है आपको लोन, 8 या 9% पे होम लोन, वो मेरे से कितना इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, इंटरेस्ट उतना लेगा जितना एनएवी और 30% माइनस करने के बाद जो बच रहा होगा, वो सारा इंटरेस्ट वो मेरे से ले जाएगा, जिससे मेरी इनकम कितनी बचेगी, 0, और बाद में वो मैं उससे इंटरेस्ट कैश में अपने घर मंगा लूंगा। समझ रहे हो बात को, प्राइवेट लोगों को ये सब चीजें अलाउड नहीं है, आप प्राइवेट पर्सनल लोगों से लोन लेते हो, ये सब लोन कहां से अलाउड है आपको, बैंक से लेना, ताकि बैंक को जब आप लोन की ईएमआई पे करोगे तो बैंक आपसे घपला कर नहीं पाएगा। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम कहां नहीं होगी, जब ये व्यक्ति मुझे सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इसने मुझे सही में इतना ब्याज दिया है, तो वो ब्याज चलो मेरे लिए तो गवर्नमेंट ने मुझे एक्सपेंस के रूप में माइनस कर दिया, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो गई, कम, इसका इनकम होगी ना, सरकार ने उस इनकम पर टैक्स तो ले लिया ना, मेरे को कम कर दिया लेकिन वो इससे टैक्स ले लिया, फिर तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बताओ जी, ए ऑप्शन क्यों बोल रहे हो, लोन किसके लिए है, रिपेयर के लिए। 54 बताओ जी, 54 तो ऑप्शन क्या बनेगी, ए। 55 बताओ, 56, 57, ए, 58। तुम आज कुछ खा के नहीं आए हो या टेस्ट के लिए डरे बैठे हो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी आज आवाज नहीं निकल रही या लोगों ने कम किया, तीन ऑप्शन हो सकते हैं या डी नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ऑप्शन ए तुम कुछ खा के नहीं आए, ऑप्शन बी तुम टेस्ट से डरे हो, ऑप्शन सी कि तुमने करे नहीं है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, खा के तो हम आई है, हम खाना तो छोड़ते ही नहीं। 58 बताओ, 58 बी ऑप्शन। नेक्स्ट 59 डाउट है, के टुक अ लोन ऑफ 8 लाख ऑन 1/4/18 फ्रॉम बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन, द लोन कैरीज इंटरेस्ट 12%, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 31/3/19 को, 31/3/19 31/3/18 इसमें प्री कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो प्रीवियस ईयर 19/20 हो गया, अरे प्रीवियस ईयर 19/20 हो गया प्रभु, नील होगा इसमें, प्री कंस्ट्रक्शन कुछ होगा ही नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा। 60 बताओ, सी ऑप्शन, ए। अब देखो इसमें 8 लाख का लोन है 1/4/17 को, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई 31/3/19
19 को, तो 1/4/17 से 31 मार्च 2018 ये प्री कंस्ट्रक्शन होगा। प्री कंस्ट्रक्शन 8 लाख का लोन है, उस पर 12% इंटरेस्ट कितना होगा? 96,000 डिवाइड बाय 5, 19,200 ये होगा प्री कंस्ट्रक्शन। लेकिन एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग और टोटल इंटरेस्ट पूछा आपसे, टोटल टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सर अपने साल का इंटरेस्ट 96,000 प्लस प्री कंस्ट्रक्शन की एक इंस्टॉलमेंट, क्लियर हो गया पॉइंट? 61 बताओ, 62 बी सुनाई दे रहा है, पी इज द ओनर, आपको निकालना क्या? पहले तो लोग इसमें भी दिक्कत आता है ना, निकालना क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा एंड तक निकालना है अभी आपको, जीएवी बता दो, चलो यही सॉल्व करते हैं इसको। जीएवी बताओ जी, मंथली रेंट है 30,000, फेयर रेंट है 290, स्टैंडर्ड रेंट 260, म्युनिसिपल वैल्यू 280, म्युनिसिपल टैक्स 10%, एंटायर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, इंटरेस्ट इज 210 आउटस्टैंडिंग, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर, 290 और 280 विच एवर इज हायर, 290 और 260 विच एवर इज लोअर, 260 और लेकिन एक्चुअल रेंट कितना है 360, तो जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 28,000, एनएवी कितना आ गया बताओ? माइनस 30% और माइनस इंटरेस्ट बताओ जी, 30% कितना आएगा? 99,600। अभी निकाल लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, ठीक है? तो डाउट कहां आ रहा है इसमें, कहां गलती कर बैठे, तो आसान सवाल था। इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया आउटस्टैंडिंग देख के? ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। 63 बताओ, ए 64 65, अच्छा अभी तुम्हें आता नहीं है, डी ऑप्शन मार्क करो इस पे। 66 बताओ, सी ऑप्शन मार्क करो। कह रहा है को ओनरशिप के केस में अगर आपको यह ना पता हो कि किसका कितना शेयर है तो उसको क्या मान लोगे? ज्वाइंट ओनर, मतलब बराबर के ओनर मान लोगे। नेक्स्ट बताओ 67, ऑन और आफ्टर है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये भी तो नहीं है, 5 साल में नहीं हुआ, बाकी दो तो पूरी है ना, बाकी दो पूरी है, तब तीसरी के बारे में तो कुछ कही नहीं। 68 बताओ, ये भी नहीं आता तुम्हें, रहन दो। 69 भी नहीं आता तुम्हें, अभी रुक जाओ, उसके बाद 70 आता होगा, डी ऑप्शन। 71 बी, 72 73 डी, 74 74 विच ऑफ द फॉलोइंग ही नहीं आता तुम्हें, छोड़ दो अभी। 75 ए ऑप्शन, 76 सी, 77 डी, 78 डाउट है। म्युनिसिपल वैल्यू है 72,000, फेयर रेंट है 66, स्टैंडर्ड रेंट है इतना 6,000 पर मंथ, लेकिन हाउस बेच दिया गया कब? 1 जनवरी को। पहले ये बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का लोगे? 1 जनवरी को तो घर ही बेच दिया हमने, जनवरी फरवरी मार्च तो बेकार हो गए, तो ईआर कितने महीने का लोगे? 9 महीने का, तो ईआर लो जी 9 महीने का वर्सेज एआर भी 9 महीने का। अभी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 72 और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर 60 अगर पूरे साल का है तो 9 महीने का कितना होगा? 45,000 और एक्चुअल रेंट है
6000 54000, तो 54 आ गया जी जीएवी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है आपको। 54 में म्यूनिसिपल टैक्स है नहीं, तो एनएवी 54, बस सिर्फ क्या माइनस होगा 30%, कितना हो माइनस करके दो, कितना सी ऑप्शन 79, डी 80, ए 81, 80 का ए है बी है, लेट आउट है 20,000 म्युनिसिपल टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी 25,000, 50% इज पेबल बाय टेनेंट, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस करोगे 12,500, और दिस टैक्स वाज एक्चुअली पेड ऑन 15/4/20 को पे किया गया है। ही हैड बोरोड अ सम ऑफ 10 lakhs फ्रॉम हिज कजन रेजिडेंट यूएसए इन डॉलर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन विच इंटरेस्ट 10% इज पेबल। ही इज ऑल्सो रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट 20,000 ड्यूरिंग विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स प्रॉपर्टी ऑफ इनकम। अच्छा बताओ, दोबारा सुनो, इसका अच्छा पॉइंट है इसमें। पहले जीएवी बताओ कितनी दिया आपने, जीएवी बताओ कैसे, और कुछ तो गिवन ही नहीं है, और कुछ तो गिवन ही नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पूरी किराए पे दी है जिसका रेंट है 20,000, तो और तो कुछ गिवन ही नहीं है। 240 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस बताओ जी, एक अप किया 19-20 में होना चाहिए ना, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में पे होना चाहिए था म्यूनिसिपल टैक्स, इसने 15/4/20 को पे किया, यानी ये 20-21 में मिलेगा इसकी डिडक्शन, जिस साल में ओनर पे करता है उस साल में डिडक्शन मिलती है। कितना हुआ ये, माइनस करो 30%, 30% कितना हुआ, 168। और इंटरेस्ट बताओ, हम ये मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट मिला आंसर के हिसाब से, ऑप्शन ऑप्शन देखो ना, अभी ऑप्शन में भी आंसर उस हिसाब से दे रखा है आपको, 10% है, 10% कितने का लोन है, 10% कितना ले ले इंटरेस्ट, 1 lakh, माइनस करो कितना बचा 68,000, इसमें एरियर ऐड करो 20,000 में से 30% माइनस करने के बाद, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत थी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिए होंगे मेरे को लग रहा है, जबकि पे कब किए 15/4 को, और म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में सिंपल सी ये बात है, जिस साल में जितना पे करोगे उतनी डिडक्शन आपको मिलती है। 81 बताओ, इसमें क्या डाउट है, 180 के एरियाज मिले हैं, माइनस 30% करो, एरियर्स मिले हैं पिछले 3 साल के, क्या दिक्कत है, एज रेंट एरियर्स मिले हैं, एरियर्स मिले हैं 60,000 पर एनम पिछले 3 सालों के हिसाब से, हाँ गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया लेकिन पिछले 3 सालों से बढ़ा दिया, 3 साल के एरियर्स मिल गए हमें 180, तो माइनस कर दिया 30% उसमें ऐड कर दिया, मतलब इनकम मान ली जाएगी। 82 बताओ, 82 अच्छा पहले तो ये बताओ, ये अमेरिकन नेशनल है लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया है, इसकी इनकम टैक्सेबल होगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इस साल में क्या है ये रेजिडेंट इन इंडिया, तो अब इसकी ओनर है, बिल्डिंग लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, रेंट पे दे रखी है कितने में 12,500, टैक्सेस पे किया $10,000 ऑन 12 फरवरी 2020, तो ओके कोई दिक्कत नहीं, 19-20 में पे किए, वैल्यू ऑफ $1 इज ₹60, इनकम फ्रॉम, क्या इसमें कुछ भी नहीं, घटिया सवाल एक नंबर का, 12,500 जीएवी इंटू में 12 पर मंथ माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000,
ये कितना हुआ 12,500 इंटू, इसको भी 60 भी करी लो साथ साथ, ये कितना आएगा 90 लाख, और ये 6 लाख, ये आ गया 84 लाख, 58। कहानी क्लियर हो गई, रेजिडेंट इन इंडिया लिखा है, अब इसको क्या मानू, आर वार या आर एन वार, अगर कुछ भी ना लिखा और रेजिडेंट लिखा तो आर वार मान लो, ऑप्शन नहीं है ना। चले आगे चले, 83 के आगे तो सॉल्ड ही है, 83 से 90 तक पहले डाउट बताओ, 83 से 90 अगर कोई डाउट है तो, 83 से 90 और अगर किए हैं तो, नहीं किए तो 2 मिनट लगा के पढ़ लो भाई फटाफट, थोड़ा एहसान मेरे पे कर दो। 83 से 90 अगर किए हैं और कोई डाउट है तो बताएं, 83 से 90 आज आखिरी दिन है हाउस प्रॉपर्टी का, कल से घर बेचना शुरू करेंगे, अभी किराए पे दिया था, कैपिटल गेन शुरू करेंगे कल से, पहले कैपिटल गेन, वो लिंक के हाउस प्रॉपर्टी है ना, घर खरीदना बेचना। 83 से 90 कोई डाउट, 91 से 100, 93 इस पर लिख लो आफ्टर सेट ऑफ, ये आपसे बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी की बातें नहीं पूछ रहा, ये सेट ऑफ की बातें पूछ रहा है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है वो कब कहां से कितना सेट ऑफ हो सकता है, तो सेट ऑफ चैप्टर के बाद कर पाओगे इसे। उसके बाद 100 तक पूछो, 100 तक कोई डाउट, 100 तक 99 मिस्टर, अब वही सेम लिख लो इस पे, कितने साल तक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये सवाल पूछा हुआ, तो ये सेट ऑफ का पॉइंट है, आपका यहां का पॉइंट नहीं है ये। 101 से लेके लास्ट तक 112 तक कोई डाउट, इस पे लिख लो, सेट ऑफ चैप्टर के पॉइंट है ये सारे, कि सेट ऑफ, अब वो लिंक है तो इसमें यहां डाल दिया, लेकिन ये सारे पॉइंट हैं सेट ऑफ के। चले जी, हो गया यहां तक, 110 इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम शैल बी टैक्सेबल। अब देखो यहां पे कितनी कंफ्यूजिंग बात लिखी है, यहां लिखा है अगर एक बंदा एंगेज है, उसका काम है क्या करने का, हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे देने का, तो उसकी इनकम, आगे ये नहीं लिखा फ्रॉम लेटिंग आउट, यानी मतलब रेंटल इनकम या कमीशन इनकम, ऐसा कुछ क्लियर लिखा है, बोल रहा है इनकम बताओ कहां टैक्सेबल होगी। तो अगर मैं आधी लाइन पढ़ू ये वाली, तो ये बात उसकी रेंटल इनकम की नहीं कर रहा, ये बात उसकी कर रहा है जो उसका बिजनेस है किराए पे चढ़वाने का, तो उसके लिए तो मिलेगी ही कमीशन, और वो कमीशन कहां टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। लेकिन अगर यहां लिखा होता, ध्यान से सुनो मैं लाइन चेंज करूं, अगर यहां लिखा होता इफ एनी पर्सन इज अगेंस्ट इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कॉमा रेंटल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, तो हाउस प्रॉपर्टी हो जाता, ठीक है जी। चले आगे, अब 71 से आ जाओ, मैं इसमें 71 से लेके जो 82 तक है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी तो आसान है। खैर अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किया है तो बताओ, नहीं किया तो अभी करते हैं इसको, अच्छा सवाल है, हो गया, कोई डाउट है इसमें 71 में, कोई डाउट, पक्का चले आगे 72। ये ऐसा सवाल हमने किया, अब पता है वही बात है, ये टू हाउसेस वाला सवाल है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टू हाउसेस बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, अपने मुंह से नहीं बोल रहा कि एक लेट आउट है एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों क्या मान लिए जाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सिर्फ क्या जनरेट होगा, लॉस जनरेट होगा। 73 एकदम इजी सवाल है ये, बिल्कुल इजी, इसको क्या लिख सकते हो आप, सिर्फ रीड भी लिख सकते हो, ये आसान सवाल है, कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं। 74 ये भी ऐसा भी किया हमने, 74 हो गया क्या, बताएं यार, अपने आप ही बता दो ना फिर डाउट, मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूं।
71 से 82 तक जो सवाल तुमसे नहीं हुए, वैसे तो कायदे से इतने 70 पहले करने के बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि हो जाने चाहिए थे। अपने आप चेक कर लो, 72 तक आपको कोई डाउट है तो बताओ। वैसे होना नहीं चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। आते हैं जी, एक मिनट। हाँ जी बताओ जी, डाउट बताओ। आओ जी बताओ जी, बातें नहीं करो प्लीज। 76 में डाउट सुनो, तुम्हारा भी हो सकता है। बताओ डाउट बताओ, दोबारा सुन लो एक बार, डाउट सुनो मेरे को, बताओ ये क्या कह रही है। 76 में क्या होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड है और सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, ऐसा कह रहे हो। आओ जरा चेक करें, ये कह रही है 76 में इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो पूरी मिलनी चाहिए और आधी नहीं मिलना, 30,000 नहीं मिलनी चाहिए, 2,00,000 वाला पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है। आओ जी देखो, मिस्टर एक्स ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें दो आइडेंटिकल यूनिट है, यूनिट 1 एंड 2, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड यूनिट 2 क्या है, लेट आउट, रेंट बीइंग इतना वो ये वेकेंट रही। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरी खुद ही बोलती क्या है, लेट आउट है, तो हम दूसरी को ऑब्वियसली क्या मानेंगे, लेट आउट। नेक्स्ट, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फलान दुकान म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं विच इज पेड बाय मिस्टर एक्स, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं जिसका मुझे कुछ करना नहीं है। मिस्टर एक्स ने बोरो किए कितने, 9,00,000, 1,716,000 को बोरो किए। कहानी यही खत्म हो गई, आप कह रहे हो कंडीशन सेटिस्फाइड है, कहां सेटिस्फाइड है, बोरो किए, अच्छा 1,499 के बाद ही किए, मैं 2006 समझ गया, ठीक है ठीक है। फ्रॉम LIC एट द रेट 12% टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30/18 एंड द एंटायर लोन इज स्टिल अनपेड। तो इसमें आपको इंटरेस्ट निकालो, आ कितना रहा है, एक बार इंटरेस्ट निकालो कितना आ रहा है, और जी इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कहां दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम नंबर 76, पेज नंबर है जी आपका 144। आओ जी देखो एक बार सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत आए तो देखते हैं एक बारी। दो यूनिट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक लेट आउट है। लेट आउट वाली का जो एक्चुअल रेंट है वो है कितना, 75, कॉपी निकाल लो कर लेते हैं इसको, 7500 पर मंथ एक्चुअल रेंट, 7500 पर मंथ, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये वेकेंट रही है कितने महीने, 1 महीना। म्युनिसिपल वैल्यू और 1 महीना जो वेकेंट रही है उसमें वो खाली नहीं पड़ा था, उसमें क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था। म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर की, जो म्युनिसिपल वैल्यू है पूरे घर की, जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो है 130, स्टैंडर्ड रेंट है 140 और फेयर रेंट है 153, ठीक है जी। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस है 12%, 12% किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का, ठीक है, विच इज पेड बाय मिस्टर एक्स, अदर एक्सपेंसेस का मुझे कुछ करना नहीं है। अब आती है बात इंटरेस्ट की, सोलह 17 18 19 और 20, लोन कब लिया गया है, 1,716,000 को 9,00,000 रुपए का लोन है एट द रेट 12% टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है, 30/6/18, तो प्री कंस्ट्रक्शन यहां से यहां तक होगा और कितने महीने का होगा, 12 और 21 महीने का, तो 9,00,000 पे 12% पर 21 महीने 189 डिवाइड बाय 5 37,800, ठीक है जी। और करंट ईयर का अपना इंटरेस्ट कितना होगा, करंट ईयर का अपना 1,08,000, 9,00,000 पे 12% प्लस 79,200, टोटल इंटरेस्ट कितना, ओ सॉरी 37,800, टोटल कितना हुआ, 145,800 डिवाइड बाय, आधी आधी यूनिट है ना,
कितना हुआ, ये इंटरेस्ट हो गया अपने साल का इंटरेस्ट 1,08,000 कैसे आया, 9 लाख पे 12% और प्री कंस्ट्रक्शन की एक इंस्टॉलमेंट, तो टोटल इंटरेस्ट जो 19-20 में मिलेगा आपको क्लेम करने के लिए, दैट इज 145,800, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधा लेट आउट वाले पोर्शन में चला जाएगा 72,900। चले कहानी क्लियर होगी यहां तक। अब आओ जरा इसको सॉल्व करें। जीएबी बताओ जी, सब कुछ नील हो जाएगा। लेट आउट वाले का सॉल्व कर लो पहले, लेट आउट वाले का बताओ जीएबी कैसे निकालोगे, लेट आउट वाले का जीएबी। अब इसको वैकेंसी का केस मानू या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट वाला केस मानू, और उस केस में जीएबी कैसे निकालते हो, ईआर फॉर 12 मंथ्स और एआर फॉर 11 मंथ्स, विच एवर इज हायर। ईआर फॉर 12 मंथ्स कैसे निकालोगे, म्यूनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर, 153 और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर 140, लेकिन ये दो हिस्सों का आधा हो जाएगा 70,000 आ जाएगा, तो ईआर आएगा 70,000 और एआर कैसे निकालोगे, 7500 × 11 82 विच एवर इज हायर 82,500। माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस कैसे निकाला, म्यूनिसिपल वैल्यू 130 है, इसका 12% डिवाइड बाय 2 माइनस करो, कितना हुआ, अब बात यह आ रही है कि जो इधर इंटरेस्ट है वो कितना आना चाहिए, सवाल ये है। कायदे से देखा जाए तो लोन ऑन और आफ्टर 1,499 है, फॉर कंस्ट्रक्शन है, और तीसरा पॉइंट 5 साल में कंप्लीट भी हुआ, तो इसका पूरी मिल जानी चाहिए 72,900 आंसर में ठीक कर लेना, और लॉस जनरेट हो जाएगा 72,900 का, आंसर में 30,000 लिखा है वो ठीक कर लेना। तो इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीने का ही पे किया होगा इस यूनिट का, लोन में मत कंफ्यूजन डालो, लोन का कोई लेना देना नहीं, लोन तो पूरा पूरा ही पे करते हैं हम। चलिए हटाओ इसको। 76 के बाद आप अपने आप देखो, 82 तक आपके कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, कर लेना चाहिए था आपको होमवर्क, वैसे आसान सवाल है, पहले 70 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 82 तक आपका कोई डाउट है तो पूछो, 80 तक रादर, 81 से तो पास अटेम्प्ट शुरू है, 80 तक मतलब, अगर होमवर्क किया है तो कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो प्लीज इसको। 78 का ये कुछ भी नहीं है, एक एक्सपेंसेस हुए, जब हम एग्रीमेंट कराने जाते हैं ना, जैसे हमने किसी को चीज बेची तो हम सेल एग्रीमेंट करते हैं, वैसे जब हम ओनर अपने टेनेंट को चीज किराए पे देता, प्रॉपर्टी किराए पे देता, तो रेंट एग्रीमेंट करते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे बनता है रेंट एग्रीमेंट, मतलब कोरे कागज पे लिख दो व्हाइट पेपर पे हो गया रेंट एग्रीमेंट, नहीं, हमें स्टैम्प पेपर निकालना पड़ता है, उस पर हम एग्रीमेंट बनाते हैं और नोटरी के पास जाके उसको अटेस्ट कराना पड़ता है, वो उसके क्या लेता है, पैसे, तो वो ये चार्जेस हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे इससे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन अमाउंट इंटरेस्ट हैज बीन पेड आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा टीडीएस का पॉइंट, ध्यान से सुन लो, अब फिर भी हल्का फुल्का समझो,
टीडीएस का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना पड़ेगा, टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की एक इनकम है, मिस्टर ए मेरे यहां जॉब करता है, उसकी इनकम है, उसकी इनकम पे उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। गवर्नमेंट ने कंपनी को बोल दिया कि जब आप इसको सैलरी इनकम पे करोगे ना तो इसका इनकम टैक्स क्या कर लेना, इसमें से काट लेना और तुम हमें जमा करा देना। मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी मेरे सर पे डाल दी, लायबिलिटी। मैं टैक्स उसकी अपनी जेब से नहीं दे रहा, उसकी सैलरी में से ही काट रहा हूं, लेकिन जो पेमेंट कर रहा है वो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा, उसकी पेमेंट की लायबिलिटी सरकार ने किसके सर पे डाल दी? पेयर ऑफ इनकम। पेयर ऑफ इनकम मतलब जो इनकम पे कर रहा है। मेरे लिए तो वो एक्सपेंस हुआ, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए वो क्या है, सैलरी की इनकम है, जिस पे उसको इनकम टैक्स किसको देना है? गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे बोल दिया कि उसकी इनकम पे जो इनकम टैक्स बनता है तुम काट के अपने पास रख लो और बाकी इनकम उसको एज सैलरी दे दो। तो उस बेचारे के पास जो इनकम आई वो तो टैक्स कट के आई, तो वो क्या बोलेगा, सैलरी रिसीव्ड आफ्टर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसको दोबारा टैक्स थोड़ी देना गवर्नमेंट को, मैंने तो उसकी सैलरी में से पहले ही टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। दिस इज कॉल्ड एज टीडीएस। अब टीडीएस में तुम एक पॉइंट पढ़ोगे, टीडीएस वाले चैप्टर में ध्यान से सुनना। मैंने एक नॉन रेजिडेंट से लोन लिया, ठीक है, और उसको मैं इंडिया में यूज कर रहा हूं लोन को, उस लोन पे मुझे उसको इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा है उस पैसे का इस्तेमाल तो इंडिया में हुआ था, उस पैसे के इस्तेमाल से मैंने इनकम कमाई और उस इनकम में से कुछ इंटरेस्ट मुझे उस नॉन रेजिडेंट को देना है। तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोला, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे पॉइंट है, सारे लिंक होंगे टीडीएस चैप्टर में जाके। वो इनकम डीम टू अक्रूड इन इंडिया मान ली जाती है और उस इनकम पर इंडिया में क्या लगता है, टैक्स। लेकिन वो सोचो सरकार कैसे लेगी, अगर मैंने इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को दे दिया तो क्या नॉन रेजिडेंट उस इंटरेस्ट में इंडिया आएगा टैक्स जमा कराने, गवर्नमेंट जाएगी वहां पर उससे टैक्स लेने? नहीं। तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोला, मुझे आप जब उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे ना तो उसका जो इनकम टैक्स इंडिया में बनता है वो काट के उसको देना, वरना ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो इसको एज एक्सपेंस आपको क्लेम करने नहीं देंगे। और जिस चीज का अगर मुझे एक्सपेंस क्लेम करने नहीं दिया तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली उस पर मुझे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। लॉजिकली पॉइंट समझ में आया, ये सेक्शन 40 है जो आप टीडीएस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, 40A and 40B, ये हम वहां जाके पढ़ेंगे। तो अभी पॉइंट क्या निकल के आया, ये पॉइंट वही कह रहा है, ये आपको टीडीएस का पॉइंट है। तो हमने इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन लिया था एक एनआर से, नॉन रेजिडेंट से लोन लिया, उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं जिसमें हम टीडीएस काटना भूल गए हैं, तो सरकार मुझे उस इंटरेस्ट की डिडक्शन इंडिया में क्लेम करने नहीं देगी, यानी मेरे एक्सपेंस गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि तुम्हें क्लेम करने नहीं देंगे, और जब मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंस क्लेम करने नहीं देगी तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिसमें सरकार मेरे से क्या लेगी, इनकम टैक्स लेगी। पॉइंट क्लियर हो गया, ये गवर्नमेंट का तरीका है नॉन रेजिडेंट से टैक्स लेने का। अगर आप उसको बिना टैक्स काटे दे दोगे वो ना तो वो इंडिया आएगा ना गवर्नमेंट वहां जाएगी उससे टैक्स लेने। तो गवर्नमेंट ने लायबिलिटी किसके ऊपर डाल दी, पेयर ऑफ इनकम, जो इनकम पे करेगा वो उस पर टीडीएस काट के उसको पे करे। तो ये पॉइंट क्या टीडीएस में आएगा, अभी आपको ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते हम इसकी, टीडीएस चैप्टर में आएगा ये पॉइंट दोबारा से। चले जी आगे चले, सेम ये कॉन्सेप्ट पीजीबीपी में भी आएगा। सोचो, सोचना, मैं आपको एक और सिचुएशन का पॉइंट, मेरा बिजनेस है, मैंने लोन लिया एनआर से, रेजिडेंशियल स्टेटस को लिंक करना इससे, मैंने लोन लिया एक एनआर से, उस एनआर से लोन लेने के बाद उसको इंडिया में बिजनेस में लगा दिया, उस बिजनेस से मैंने इनकम जनरेट की और उस इनकम में से मैं इंटरेस्ट जो मैंने लोन लिया था एनआर से वो इंटरेस्ट उसको मैं दे रहा हूं, तो वो इंटरेस्ट इंडिया में क्या मान लिया जाता है, एक्रूड मान लिया जाता है, और एक्रूड मान लिया जाता है तो उस एनआर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम इंडिया में क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार उससे टैक्स कैसे लेगी, एक बार आपने उसको इंटरेस्ट पे कर दिया तो सरकार उससे टैक्स कैसे लेगी, ना तो वो इंडिया आएगा टैक्स देने ना सरकार वहां जाएगी। तो गवर्नमेंट ने मुझे बोल दिया, जो व्यक्ति यहां बिजनेस कर रहा है उसको क्या बोल दिया कि भाई जब तुम उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे ना तो जो उसका टैक्स बनता है वो तुम काट लेना, वरना क्या होगा, तुम्हें पीएनएल में डेबिट साइड में जो तुमने इंटरेस्ट पे किया उसको एक्सपेंस के रूप में क्लेम करने नहीं देंगे। जब तुम्हारा एक्सपेंस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नेट प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा और तुम्हें इंडिया में उस पर क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। ये लॉ है, अभी पढ़ेंगे इसको टीडीएस वाले चैप्टर में। तो अब 79 और देख लो, 80 और देख लो। 79 में तीन घर वाला सवाल है और 80 एक बार और देख लो।
बस ठीक है, अगर बता रखा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें खुद ही क्या रखा है कि हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस टू भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हाउस थ्री क्या है, लेट आउट है। तो हम भी वही करेंगे, हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस थ्री हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस थ्री लेट आउट मान के उसकी इनकम निकाल के कहानी खत्म कर देंगे। इसमें तीन ऑप्शन नहीं बनाएंगे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे पता है तुमने नहीं किया, लिख के आज घर जाके लिख के कर लेना इसको। अच्छा सवाल है, चले आगे चले। तुम्हारा चैप्टर हो चुका है समाप्त, एक छोटा सा पॉइंट इसका रह गया है। सेक्शन 26 तो हमने कर लिया, को ओनरशिप, उसमें कुछ अलग नहीं है, उसके क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए। सेक्शन जो आपका रह गया दैट इज 26-27 में आपको कॉन्सेप्ट बुक है आपके पास, कोई बात नहीं, मैं यहां से रीड कराया। तो आपकी कॉन्सेप्ट बुक कुछ ऐसी है, सेक्शन 26। सुनो जरा कहानी, को ओनरशिप का सिंपल सा मतलब क्या है, मैं आपसे सिंपल से एक पॉइंट पूछ रहा हूं। को ओनरशिप का सिंपल सा एक मतलब क्या है कि जहां पे एक प्रॉपर्टी के क्या है, दो ओनर है। सर अगर दोनों ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है तो क्या होगा, तो आधी आधा इसका सब कुछ नील, दोनों को क्या मिल जाएगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन, और इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग 30,000-2 लाख या 1 ही 2 लाख, अलग अलग। जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख या 30,000 मैक्सिमम जो है वो पर पर्सन है, ना कि पर प्रॉपर्टी या पर हाउस, ऐसा नहीं है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी इज ओन बाय टू और मोर पर्सन हू शेयर्स आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, जिनका शेयर क्या है डेफिनेट है और असर्टेनेबल है। मतलब जैसे आपको बता रखा है कि भैया मिस्टर ए का 50%, मिस्टर बी का 50%, तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टैक्स्ड एज इनकम अंडर द हेड एओपी। मतलब अगर उनका अपना अपना शेयर है तो आप अपनी अपनी इनकम निकाल के इंडिविजुअली उसको टैक्स करोगे, एओपी के रूप में टैक्स नहीं करोगे। शेयर ऑफ इनकम ऑफ ईच सच ओनर शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 से 25। मतलब कह रहे जो आप शेयर अलग अलग करके निकालोगे फिर इंडिविजुअल वाले सारे वही 22 से लेकर 25 तक जो सेक्शन नॉर्मल लोगों पे लगते हैं वो उन्हीं पे लग जाएंगे। और अगर हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय ओनर और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ईच है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब दोनों ने क्या कर रखी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो डिडक्शन ऑफ 30,000-2 लाख एज द केस में भी ईच ओनर को मिल जाएगी। ईच ओनर शैल बी एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन ऑफ 30,000 या 2 लाख। मतलब दोनों को अलग अलग 2-2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। जिसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको घर लेना है सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए तो 2 या 3 नाम से लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कितना लोन और उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है। अगर पूरे साल का इंटरेस्ट आपका 2 लाख ही है तो आपको कोई फायदा नहीं है 2 लोग के नाम पे लेने का, फिर आप 1 लोग के नाम पे लो, क्योंकि इंटरेस्ट तो मैक्सिमम कितना है 2 लाख। लेकिन अगर आपका बैंक का इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा जा रहा है तो आप 2 लाख से ऊपर तो क्लेम ही नहीं कर पाओगे, तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको, 2 लोग के नाम पे ले लेना चाहिए। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी को ओन्ड इज लेट आउट। अब को ओनर से आप दूसरा सोचो, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट चल रहे हैं, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। एक घर 2 व्यक्तियों के नाम पे, अगर दोनों का सेम केस है तो क्या करना चाहिए, एक साथ इनकम निकाल के लास्ट में डिवाइड बाय 2 कर दो। अलग अलग केस है, एक ने सेल्फ ऑक्यूपाई, एक ने लेट आउट, तो अलग अलग कैलकुलेट करना है आपको। प्रैक्टिकल पॉइंट ये, थ्योरी इसकी आएगी नहीं, बस ये बात है और कुछ नहीं है। ओनरशिप सेक्शन 26 और सेक्शन 27 ये आपको आ सकता है थ्योरी में, जैसे कि आपने देखा इस पे बेस्ड एमसीक्यू थे। सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन है। डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन मतलब क्या होता है, नाम से जाओ डीम्ड, ये लाइन पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। एज पर सेक्शन 27 द फॉलोइंग पर्सन दो नॉट लीगल ओनर, ये लीगली ओनर नहीं है पर फिर भी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी मान लिए जाएंगे फॉर द सेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 से 26, यानी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की निकालने के लिए ये लोग ओनर मान लिए जाएंगे। और आपको ये याद करने हैं, जैसे ट्रांसफर टू स्पाउस, आपने अपने गिफ्ट, ये सब आपका एक्चुअली एक पॉइंट क्या है, जितने भी यहां पे सारे पॉइंट है ये सारे आपके अदर सोर्सेज में कवर होंगे। जैसे कि आप अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो घर विदाउट कंसिडरेशन, तो जबकि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है घर विदाउट कंसिडरेशन, तो किसके नाम पे हो गया, स्पाउस के नाम पे हो गया, लेकिन फिर भी वो लीगल ओनर तो वो है, लेकिन ओनर कौन मान लिया जाएगा, जिसने घर ट्रांसफर किया होगा। ये सब बातें अदर सोर्सेज में आएगी, इसके पीछे का लॉजिक समझो, अब ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति की
कोर्सेज में हम लोग पहली कहानी यही समझाते हैं, समझना जरा ध्यान से। एक व्यक्ति की इनकम है 10 लाख, एक घर से रेंटल इनकम आ रही है मान लो 10 लाख रुपए, अगर मिस्टर ए के नाम पे आ रही होगी तो क्या होगा? मिस्टर ए टैक्स देगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिमेनिंग इनकम में जाती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहां जाती है, तो टैक्स कैसे होगा? स्लैब रेट पे। अब स्लैब रेट लगाओगे तो कैसे टैक्स करोगे? पहले 2.5 लाख पे नील, फिर 12.5 हजार, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख पे 1 लाख, टैक्स हो गया 1,12,500 प्लस HEC, यही करोगे। अब मिस्टर ए ने अपनी इनकम पे टैक्स बचाने के लिए क्या किया, 50% घर मिसेज ए के नाम पे ट्रांसफर कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन। अपनी अपने घर वालों को तो आप गिफ्ट दे ही सकते हो, रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो क्या रहता है, एग्जेम्प्ट। ये बातें भी कहां पढ़ोगे जाके, अदर सोर्सेज में। रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। तो मैंने अपनी स्पाउस को 50% घर के कागज उसके नाम पे कर दिए। अब होगा क्या सर, प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन अब उसके दो को ओनर हो गए मिस्टर एंड मिसेज ए। तो उससे होगा क्या, जो इनकी इनकम आएगी 10 लाख, अब वो क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 2। तो मिस्टर ए की इनकम 5 लाख और मिसेज ए की इनकम, इससे अब टैक्स निकालो कैसे निकालोगे, पहले 2.5 लाख इसके एग्जेम्प्ट, उसके 12,000 2 लाख इसके एग्जेम्प्ट और इसकी इनकम सॉरी टैक्स 12,500। टोटल टैक्स कितना हुआ, दोनों बीवी मतलब पति पत्नी ने मिलकर कितना दिया, 25,000, जो पहले कितना बन रहा था 1,12,500। सर ये काम करो ना, 4 हिस्सों में कर लो, टैक्स खत्म ही हो जाएगा। दो बच्चे भी होंगे, 25-25% शेयर उन बच्चों के नाम पर भी कर दो, क्या टेंशन है। तो 10 लाख की इनकम 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 4 कोर्नर हो गए एक प्रॉपर्टी के, 2.5-2.5 लाख सबकी इनकम हो गई। तो पहले 2.5 लाख क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। सर ऐसा भी कर सकते हैं, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। इसके लिए आपका एक चैप्टर बना, नाम से समझ जाओगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। इस रायते को रोकने के लिए आपका एक चैप्टर बना, क्या नाम है उसका, क्लबिंग ऑफ इनकम। वो चैप्टर में क्या लिखा है कि अगर आप अपनी स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो और उस एसेट से अगर कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम आपकी इनकम में वापस से हम क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। तभी चैप्टर का नाम क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये कहानी क्लियर हुई। और वो कैसे क्लब करेंगे, उसके लिए लॉ भी तो होना चाहिए, बैकग्राउंड पे एक लॉ भी तो होना चाहिए। तो बैकग्राउंड पे हाउस प्रॉपर्टी में क्या लॉ बना हुआ है कि आपने अगर अपनी स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन एक घर ट्रांसफर कर दिया तो लीगली ओनर कौन हो गया, कागज तो उसके नाम पे करते तो लीगल ओनर कौन हो गया, स्पाउस। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, उस घर का डीम्ड ओनर वापस से मिस्टर ए को ही मान लिया जाएगा, ताकि उसकी इनकम वापस से उसकी इनकम में क्या हो जाए, क्लब हो जाए। पॉइंट क्लियर हुआ, ये इसके पीछे का बेस है। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा, गिफ्ट टैक्स हमारे देश में खत्म हो चुका है, अबॉलिश। स्टैंप ड्यूटी क्यों जाएगी, विदाउट कंसिडरेशन है स्टैंप ड्यूटी, 6% ऑफ कंसिडरेशन, मैंने जीरो जीरो बेचा ही नहीं ना, पैसे लिए ही नहीं, कुछ नहीं, गिफ्ट दे रहा हूं। गिफ्ट में काय बात का टैक्स, किस बात का टैक्स, कागज उसके नाम पे कर दिया। और कागज नाम करने के बहुत तरीके हैं, मैं नोटरी वाले कागज बनवा लूंगा ना, मुझे स्टैंप ड्यूटी में स्टैंप एक्ट में क्यों रजिस्ट्रेशन करानी है, मैं नोटरी वाले कागज बनवा लूंगा, जिसे हम पहले के जमाने में वो बोलते थे, क्या नाम है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको बोलते थे, वो करवा दूंगा, क्या दिक्कत है, नाम तो फिर भी उसके हो गई, फिर काय का स्टैंप ड्यूटी लगी, पेपर के कितने पैसे लग जाएंगे। तो सर्कल रेट मेरी प्रॉपर्टी का उतना है ही नहीं, ज्यादा ही नहीं, सर्कल रेट वैसे ही बहुत कम होता है, और उसका भी 4% ड्यूटी है अगर आप वुमेन के नाम कराते हो। अरे नहीं, तो उस पर कितना परसेंट लगेगा, सिर्फ 4% 4% लगा लो 46 लाख का कितना हुआ, 72 लाख का 4% लगा लो कितना हुआ, 288। 2 साल में रिकवरी हो जाएगी, 1 साल में टैक्स बच गया 1,12,500, 2 साल में रिकवरी, पूरा जीवन भर किराए पे देना है, 2 साल में रिकवरी हो जाएगी। तो लोग ये सब चीजें बहुत सोचते हैं, खैर वो सब चीजें कैलकुलेटिव अलग चीज है, और ऑब्वियसली मैं ये हरकत तभी करूंगा जब मुझे क्या होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी करूंगा, वो सारी बातें अलग है। तो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे थे कि अगर आप ट्रांसफर करते हो किसको, स्पाउस को, देखो नीचे क्या लिखा रेड पेन से, अदरवाइज दैन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब जो उस प्रॉपर्टी की एडिक्वेट कंसिडरेशन बनती थी उसके अलावा, यानी आपको उसने विदाउट कंसिडरेशन या फिर बहुत कम अमाउंट लेके एहसान करके उसके नाम पे कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट बोलती है क्या, ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफर किया है यानी मिस्टर ए इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी।
गवर्नमेंट ने क्यों किया, ताकि उस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो मिसेस ए के नाम पे उसने ट्रांसफर करने की कोशिश की थी 5 लाख, वो वापस से क्लब हो जाए किसके अंदर, मिस्टर ए के अंदर, ताकि वो अपनी टैक्स की चोरी ना कर पाए। ये पॉइंट दोबारा रिपीट होगा क्लबिंग ऑफ इनकम में भी। नेक्स्ट सेम अब ट्रांसफर, सरकार ने लॉ बनाया स्पाउस को लेके, तो लोगों ने किसको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, माइनर चाइल्ड को, तो गवर्नमेंट ने फिर वो भी लॉ बना दिया। गवर्नमेंट बोलती है माइनर चाइल्ड को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अदरवाइज देन फॉर, तो ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर हो गया सर? इसका मतलब मेजर चाइल्ड रह गया, अभी भी ये लूप होल है हमारे लॉ में, लूप होल है, ये है। मतलब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी मेजर सन के नाम पे ट्रांसफर करते हो अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम आपकी इनकम में क्लब नहीं होगी, वो उसी के नाम पे क्लब होगी। अगर आज भी आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रही है, तो बीवी से अच्छा मेजर सन के या मेजर डॉटर के नाम पे करो, उससे क्या होगा, उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम आपकी इनकम में क्लब नहीं होगी। नेक्स्ट, इम्पार्टिबल एस्टेट, द इम्पार्टिबल इज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल, द होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट इज शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, जैसे कि सैफ अली खान हमारे देश में एग्जाम्पल, उसके बाप दादा की नवाबों की जमीनें पड़ी हैं, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट डिविजिबल, वो डिविजिबल नहीं हो सकती। जैसे पूरा एक 500 एकड़ की जमीन पड़ी है या 500 एकड़ की हवेली है, अब हवेली का ये तो नहीं है एक कमरा सैफ अली खान का, एक कमरा सोहा अली खान का, एक कुणाल खेमू का, ऐसा तो कर नहीं सकते वो लोग। तो क्या होगा उस केस में, सारी प्रॉपर्टीज का डीम्ड ओनर जो घर का बेटा है कौन, सैफ अली खान, वो मान लिया जाएगा। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल का मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल एस्टेट। एक मेंबर सोसाइटी का टू होम अ बिल्डिंग और अ पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड और लीज अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को सोसाइटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो नोएडा में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, वीवीआईपी, गौर्स या बहुत टाइप के फ्लैट्स हैं, उन्होंने अपने मेंबर्स को एक एक फ्लैट दे दिया उस प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी में रहने के लिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो चार पार्टनर्स हैं, चार पार्टनर्स ने एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, एक पूरी बिल्डिंग बनाई, और चारों पार्टनर्स ने एक एक फ्लैट में वो खुद रह रहे हैं, पेपर नाम नहीं किए आपस में, लेकिन रह रहे हैं और खुद को एक अलॉट कर दिया प्लॉट, तो उस प्लॉट का जबकि ऑन पेपर्स मालिक कौन है, वो सोसाइटी मालिक है, लेकिन रह कौन रहे उसके मेंबर्स, तो उसका मालिक डीम डोनर कौन मान लिया जाएगा, वो मेंबर्स ही मान लिए जाएंगे फॉर द पर्पस। नेक्स्ट पोजेशन का मतलब क्या होता है, कब्जा, जिसने प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया उस प्रॉपर्टी का डीम डोनर वही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑल द अबव केसेस बायर वुड बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्दो इट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड इन हिज नेम, मतलब जो वहां पे रह रहा होगा चाहे उसके नाम पे होना हो उसका ओनर वही मान लिया जाएगा। थ्योरी पॉइंट है, अभी लिखेंगे इसको। नेक्स्ट, पर्सन हैविंग राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स, अब जो डीडीए के फ्लैट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था वो लीज पे मिलते हैं 99 ईयर्स की, जो डीडीए के आप फ्लैट देखते हो एचआईजी एलआईजी एमआईजी, वो डीडीए पर्सन को बेचता नहीं, वो किस पे देता है, लीज पे फॉर 99 ईयर्स। लोगों को लगता है हमने खरीद लिया लेकिन खरीदा नहीं होता असलियत में, कभी पेपर चेक करना जो डीडीए के फ्लैट में रहते हो, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वो फ्लैट आपको क्या देती है, लीज पे फॉर 99 ईयर्स, उसका डीम्ड ओनर कौन मान लिया जाएगा डीडीए, जबकि वो कागज आपको लीज, उसका ओनर कौन मान लिया जाएगा जो उसमें रह रहा है, क्योंकि लीज इज नॉट लेस देन इट इज मोर देन 12 ईयर्स, इसीलिए उस फ्लैट में रहने वाला उस फ्लैट का क्या मान लिया जाता है, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। उसके अलावा बाकी ये सब चीजें आपकी पीजीबीपी में कवर होंगी और कुछ कवर वाली है नहीं इसमें चीजें, लिखो कॉपी निकालो इसका कॉन्सेप्ट, लिखो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखना सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। Not legal owners but will be deemed to be
ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नॉट लीगल ओनर्स बट विल बी डीम्ड टू बी ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो कौन डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा? ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर किया होगा. ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड थ्योरी में. अब इसके जो दो तीन एमसीक्यूज हैं वो आप कर सकते हो. इस पे बेस्ड आप लिख सकते हो, रीड कर सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 13 वो थ्योरी में पूछा हुआ है आपसे. इसमें क्या है? नहीं कह रहा, नॉट डेफिनेट एंड असर्टेनेबल. डेफिनेट नहीं तो जॉइंट ओनर बोलते हैं. एओपी कभी भी नहीं होगा. इस पे भी लिख लो अभी. आफ्टर एग्जेम्पशन कुछ इनकम हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल नहीं होती. एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो हमें पता ही है, दूसरे फार्म हाउस ये सब आएंगे एग्जेम्प्ट इनकम्स में, कि कुछ इनकम हमारे देश में एग्जेम्प्ट है चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से ही क्यों ना आ रही हो. इस पर लिख सकते हो आफ्टर एग्जेम्प्ट इनकम्स. और पेज नंबर बोलिए एक बार. 132 60. हाउस लॉसेस को मत देखो अभी, ये क्वेश्चन मत करो, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि लॉस हाउस प्रॉपर्टी का कहां से सेट ऑफ होता है, कितने साल तक होता है, कितने अमाउंट तक होता है. ये सब आफ्टर सेट ऑफ लिख लो. सेट ऑफ चैप्टर की बात कर पाओ ये सवालों को. ये आफ्टर सेट ऑफ कर पाओगे. चले जी, हो गया हमारे तीनों चैप्टर. पहले तीन आपके हो चुके हैं समाप्त.
नेक्स्ट क्लास यानी कल से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज अब आपके जो तीन चैप्टर आने वाले तीन चैप्टर लाइन से कैपिटल गेन पीजीबीपी और सैलरी ये तीनों में कम से कम आप मान के चलो 24 से 30 क्लास लगेंगे आपको यानी लगभग एक महीना कम से कम इन तीन चैप्टर में लगेगा आने वाले तीन चैप्टर में। अभी हमने शायद 17 फरवरी से स्टार्ट किया था अपना बैच 17 से किया था मेरे ख्याल से नहीं टैक्स का हमने कब से हाँ हमारा जो है आज आपकी 15th क्लास है अभी जो चल रही है दिस इज 15 10th फेब से हमने शुरू किया था आज आपकी 15th क्लास है आज तो 15 क्लास में ये मान के चलो हमने तीन चैप्टर कर लिए बेसिक रेजिडेंशियल और हाउस प्रॉपर्टी। अब इसकी डबल क्लास लगेंगी अगले तीन करने में यानी 30 के करीब क्लास लगेंगी उसके बाद आपके हर चैप्टर इज अराउंड एक या दो क्लास हर चैप्टर एक्सेप्ट डिडक्शन एंड टीडीएस लास्ट के दो चैप्टर अभी और है वो मीडियम चैप्टर है मतलब अभी हमने करे मीडियम वाले अब आएंगे बिल्कुल मेन इसमें मतलब मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट ज्यादा है जैसे इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ 22 से 27 था पांच ही सेक्शन थे उसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है और उसका जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन करने जब हम शुरू होंगे उस वहां तक पहुंचते तीन चार क्लास लगेगी तीन चार क्लास में पहली में तो सिर्फ क्या होगा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट सारे सेक्शन कवर होंगे उसके बाद क्वेश्चन कवर होंगे तो मिलेंगे हम लोग कल टैक्स की क्लास में। अब आप ब्रेक लो ब्रेक के बाद आपकी लॉ का टेस्ट है तो लॉ का टेस्ट के आप होपफुली तैयारी कर ली होगी आपने।